हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। फ्रेंड्स, इन नोज केयर अवेयरनेस प्रोग्राम माई नोज माई लाइफ में आज हम चर्चा करेंगे एक बड़ी ही कॉमन समस्या, नेजल ब्लॉकेज। क्या है नेजल ब्लॉकेज, कैसे नोजल ब्लॉकेज से बचा जा सकता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, बट बिफोर टू नो द नेजल ब्लॉकेज, जस्ट वी वॉन्ट टू नो वॉट इज नॉर्मल फंक्शन ऑफ द नोज। एक नोज के नॉर्मल फंक्शन क्या है। फ्रेंड्स, नोज इज ए ब्रीदिंग ऑर्गन, जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग टू द बॉडी। एक नोज जो है ह्यूमन बीइंग को एक दिन में पर डे 10,000 लीटर एयर को क्लीन करता है एंड प्यूरिफाई करता है। नोज जो है, जो अपन एयर जो इनहेल करता है, उसको बैक्टीरिया फ्री और जस्ट प्यूरीफाई करता है, ह्यूमिडिफिकेशन करता है। दैट्स वाई द नोज ब्रीदिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन द माउथ ब्रीदिंग। सो नोज ब्रीदिंग इज इम्पोर्टेंट रेदर देन द माउथ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इंसान एक माउथ ब्रीदिंग भी करके काम चला सकता है, बट जो एयर का प्यूरिफिकेशन है, जो इनहेल्ड जो एयर है, उसका क्लीनिंग सिस्टम है, उसका जो ह्यूमिडिफिकेशन है, दैट इज लॉस्ट। दैट्स वाई द नोज ब्रीदिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन द माउथ ब्रीदिंग। सो नाउ वॉट इज नेजल ब्लॉकेज, क्या है नेजल ब्लॉकेज। सो फ्रेंड्स, जब नोज से इनएडिक्वेट ब्रीदिंग होती है, जब नोज से प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं होती है और अपने को जब मुंह से सांस लेना होता है, दैट इज द माउथ ब्रीदिंग और नेजल ब्लॉकेज। सो दोस्तों, क्या है नेजल ब्लॉकेज के रीजन, वॉट इज द कॉजेज ऑफ द नेजल ब्लॉकेज। सो दोस्तों, नेजल ब्लॉकेज के जो कारण हैं, वी कैन कैटेगराइज इन द टू वे, दो तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कि वन इज कंजेनाइटल, कि जो जन्म से ही नेजल ब्लॉकेज के कारण हो। अदर इज क्वाड कॉजेज, जो जन्म के बाद में जो नोज ब्लॉकेज डेवलप हुआ। सो फर्स्ट कंजेनाइटल में क्या है, कंजेनाइटल कुछ जन्मजात स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी जो नोज की होती है, लाइक जैसे क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट है, जन्मजात जो है तालू का नहीं बनना है, होठ का नहीं बनना है, तो उसके साथ के अंदर नोज के अंदर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी होती है, जो नाक के बीच की जो हड्डी होती है उसमें विकार होता है, विकृत होती है, उससे नेजल ब्लॉकेज की समस्या डेवलप होती है। सेकेंड एक जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम है वो है कॉर्नल एट्रेजिया। इसमें क्या होता है कि जैसे दोस्तों जो नाक का अपना आगे का जो छिद्र जो बना हुआ है, ऐसे ही नोज पीछे अपने गले में खुलता है, तो जो पीछे वाला जो होल है वो जन्म से ही दोनों तरफ बंद होता है, आगे वाला होल खुला हुआ होता है, उसको हम कॉर्नल एट्रेजिया बोलते हैं। सो ये भी एक समस्या है जो जन्मजात जो है नेजल ब्लॉकेज की समस्या होती है। नाउ दूसरा जो कैटेगरी है, दैट इज द एक्वायर्ड कॉजेज, जो जन्म के बाद में बड़ी कॉमन समस्या है। फर्स्ट दैट इज द इन्फेक्शन इन द नोज, दैट इज द एलर्जिक राइनाइटिस ड्यू टू द कॉमन कोल्ड, और जो नोज का जो अंदर का अपना जो म्यूकोजा है वो इन्फेक्शन और कॉमन कोल्ड के कारण, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उसमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेल हो जाता है, दैट द पेशेंट डेवलप द नेजल ब्लॉकेज। एंड वंस दिस प्रॉब्लम इज कंटिन्यू, देन द पेशेंट डेवलप साइनोसाइटिस, क्योंकि जो नोज है, नोज के पास में जो अपना चीक की जो बोन है, जो फेशियल जो बोन है, उसमें मधुमक्खी के छत्ते के जैसे स्पेस होता है, दैट इज द साइनस सिस्टम। सो वो नोज से जुड़ा हुआ होता है, और जो अपन एयर इनहेल करते हैं, जो अपन ब्रीदिंग करते हैं, उसको ह्यूमिडिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन का काम करता है। तो ये जो नोज का इन्फेक्शन है वो साइनस में भी डेवलप हो जाता है, और पेशेंट डेवलप द साइनोसाइटिस, वो भी एक नेजल ब्लॉकेज का कारण है। देन जो सेकंड जो नेजल ब्लॉकेज का कारण है वो है ट्रॉमा। नोज के अंदर बहुत तरीके से नोज का ट्रॉमा होता है। इंसान अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं नोज में उसको ट्रॉमा यूजुअली होता है। वो जब बच्चा होता है, बेड से गिर जाता है, जब वो खेलता है, मीन वाइल प्लेइंग क्रिकेट बॉल इंजरी होती है, फाइटिंग होती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से। सो नोज ब्लॉकेज का ये जो सेकंड कारण है जिसके अंदर ट्रॉमा है, उसके कारण नाक के बीच की जो अपनी पतली बोन होती है, जो नाक को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो वो डिस्टोर्ड हो जाती है, उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि नेजल ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न होती है। सो ये
ट्रॉमा भी एक मोस्ट कॉमन, क्योंकि अभी जो इंसान की जो लाइफ बड़ी डायनेमिक लाइफ है, तो इसमें ट्रॉमा कहीं ना कहीं उसके कारण भी जो है नेजल ब्लॉकेज की समस्या उत्पन्न होती है। थर्ड जो इसका जो रीजन है वो है मास इन द नोज। मास इन द नोज के अंदर मास बन जाना, लाइक अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक एलर्जी रहती है, क्रोनिक उसको इन्फेक्शन रहता है, तो उसके कारण नोज के अंदर पॉलिप्स बन जाते हैं, अंदर की म्यूकोजा फूल के, जिनको लोकल अपन जो है रसोली बोलते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में हम पॉलिप्स बोलते हैं, उसके कारण भी क्या है नेजल ब्लॉकेज की समस्या डेवलप होती है और साथ में पेशेंट को कंटिन्यू नाक से पानी भी आता रहता है। बहुत बार नेजल मास के अंदर जो है वो मैलिग्नेंसी यानी कैंसर भी डेवलप हो जाता है, उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन के कारण भी जो है वो नेजल मास बन जाता है, तो ये भी एक कॉमन रीज़न है जो नेजल ब्लॉकेज की समस्या डेवलप करता है। थर्ड जो रीज़न है दैट इज़ द फॉरेन बॉडी इन द नोज। दोस्तों बच्चों में यूजुअली जो छोटे बच्चे होते हैं, पिन है, पेंसिल है, लाइक थर्मोकोल है, रबर है, वो खेल खेल में या स्कूल्स में वो नोज के अंदर डाल लेते हैं, तो वो भी एक नेजल ब्लॉकेज की समस्या होती है। बट उसमें बड़ी अच्छे तरीके से अपन पहचान सकते हैं कि अगर एक तरफ का नोज ब्लॉकेज यूजुअली अगर बच्चे का है और दूसरी तरफ से उससे अच्छे से उसको ब्रीदिंग होता है और जिस नाक में वो ब्लॉकेज है खाली उसी में उसको डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये है एक करैक्टरिस्टिक फीचर होता है कि यूनिलैटरल नेजल ब्लॉकेज की, उसके नाक में कोई ना कोई फॉरेन बॉडी बच्चे की हो सकता है और उससे अपने को पहचाना जा सकता है। सो ये कॉमन रीज़न है। एक बड़ा ही अनकॉमन रीज़न होता है नेजल ब्लॉकेज का, उसमें पेशेंट के अंदर कोई नाक की हड्डी का टेढ़ापन भी नहीं होता, कहीं कोई उसको ट्रॉमा भी नहीं होता, कहीं कोई उसको चोट भी नहीं होती, फिर भी उसको नेजल ब्लॉकेज की समस्या, दैट इज द एट्रोपिक राइनाइटिस, जिसको हम एम्प्टी नोज सिंड्रोम बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जो नोज का अपना जो म्यूकोजा होता है, जिससे यूजुअली अपने को ब्रीदिंग हो रही है या नहीं हो रही ये पता लगता है, उसकी एट्रोपी हो जाती है, जिससे अपने को ये पता नहीं लगता, ब्रीदिंग तो पेशेंट कर रहा है बट ही डजेंट फील, उसको ये फील नहीं हो रहा कि मेरे को ब्रीदिंग भी आ रही है नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये सारे कारण हैं, कॉजेज हैं नेचुरल ब्लॉकेज के। दोस्तों आई होप दिस ऑल इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी, सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स एंड योर फैमिली, जिससे होने वाले नेजल ब्लॉकेज के जो दुष्परिणाम हैं उससे बचा जा सकता है। और फॉर द मोर इन्फॉर्मेशंस यू कैन लॉग इन माई जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल .com वेबसाइट एंड यू कैन सब्सक्राइब माई यूट्यूब पेज एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।